स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। वैगनर के सीरीज आरडी सेंटर लॉक फिटिंग करना है। तो इसको फिटिंग कैसे करते हैं, इसकी वायरिंग इंडिकेटर की और रिवर्स की वायरिंग कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा। तो सबसे पहले टोटल बाहर के साइड बैटरी के साइड जो है चार वायर है, एक माइनस है, एक प्लस है और एक बॉनेट स्विच का और एक सायरन का मेन है। ग्राउंड आप सायरन को कहीं से भी दे सकते हो। ये ब्लू वाला वायर रिवर्स का हो गया, रेड में लग गया है। ये इग्निशन का है, ये ग्रीन और येलो अपना इंडिकेटर का है और एक सेम थोड़ा सा अलग वायर जो है इंडिकेटर का ही है, ग्रीन येलो इंडिकेटर का है, लेफ्ट राइट है। इधर टोटल कितने चार वायर हो गए। रिवर्स का रेड वाला, इग्निशन का वाइट और ये इधर से केबिन के बाहर लिया, उधर बाहर साइड रबड़ को हटा के थोड़ा सा तो बाहर साइड लेना है। ये आरडी का मॉड्यूल अभी लगा दिया है। मॉड्यूल फिटिंग कर दिया, अभी दो वायर गया है जो मोटर को गया है। वैगनर और सेंटर में एक मोटर लगता है डोर में राइट साइड में और एक पतले केबल के थ्रू जो अपना मेन लैच में उसमें कनेक्ट करना है। मोटर की सेटिंग अभी हो गई है। फ्लिप की वाला है, इसमें आरडी का डाला है फ्लिप की। बोलते अगर तो फिर बात करता। इसकी वायरिंग एक प्लस लगता है लाल वाला वायर, ग्राउंड आप कहीं भी दे सकते हो। ये रिवर्स सायरन का गया मेन वायर सायरन के लिए, वहाँ पे सीएनजी फिटिंग था तो जगह नहीं हो रहा था तो यहाँ पे लगा दिया और उसका ग्राउंड उसके ही नट में फिटिंग कर दिया। हो गया फिटिंग प्रॉपर। अब इसका रिवर्स गियर डाल के चेक करते हैं, रिवर्स पे सायरन बज रहा है कि नहीं बज रहा है। इधर कोई भी वायर दिख नहीं रहा है, प्रॉपर फिटिंग हो गया। अभी इसको एक बार रिवर्स गियर डाल के देखते हैं, रिवर्स गियर बज रहा है कि नहीं बज रहा। तो ठीक है, रिवर्स गियर तो बज रहा है। नहीं, कितने लोग नहीं भी बोलते, रिवर्स गियर पे नहीं भी लगाते हैं। इतने लोगों को लगाना होता है तो लगा लेते। ब्लू वाला वायर जो है रेड वायर में लगाना होता है, अगर नहीं चाहिए तो नहीं लगाना फिर उसको। बहुत ही इजी है वैगनर के सेल से सेंटर लॉक, वन डोर मोटर लगता है।